अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर कर दे इस माह में, और सबकी जितनी जायज़ हाजतें हैं अल्लाह ताला उन सबके कबूल करें और सबको सेहत और अच्छी तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा इस माह में, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, मेरे माँ बाप को। तो हम सब के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है फर्स्ट सहरी और अभी बज रहा है 2:45 हो रहा है, और मैं जा रही हूँ किचन में सहरी बनाने। तो बस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, तो चलिए देखते हैं। बस मैं अब जाऊंगी और मेरे बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, और एक बेटी मेरी वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो उसकी नाइट शिफ्ट है। तो बस मैं अब जाकर उन लोगों से पूछती हूँ कि बोलो क्या क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने कीमा भाजी तो पहले ही बना ली है। तो बस मैं अब उनको सर्व करूँगी और जाके पराठे बनाती हूँ। तो चलिए अपन लोग पहले, तो चलिए मैं सबसे पहले मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने शोहर को उठाऊँगी। हारिस, और अब मैं जाऊंगी किचन में और जाकर वहां पर पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कीमा तो पहले ही बना लिया था। और मैं बस अंडे फ्राई करूंगी और ब्रेड रहेगी, और जाके पराठे बनाती हूँ। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। तो ये मैंने दो अंडे ले लिए हैं, और मैंने प्याज पहले से ही चॉप कर ली थी, तो मैंने ये भी इसमें मिक्स कर दिए, और नमक और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिए। तो मैं अब अंडों को अच्छे से फेंट के रख दूंगी और पहले पराठे बनाऊंगी। तो मैंने ये अंडे ना फेंट के रख दिए हैं, और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और जाकर पराठे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये चाय रख दी है, और अब मैं यहाँ पराठे बनाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पराठे बनाऊँगी और फिर उसके बाद ऑमलेट तलूँगी। पराठे बनाने के बाद उसके बाद मैं ऑमलेट तल के सब, और मैंने हारिस मुस्तफा से भी बोल दिया है कि वो जाके जल्दी से डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स रख दें, तो जाके वो प्लेट्स रख रहे हैं। हारिस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो घर में सबसे छोटे हैं। अपनी अपनी फरमाइशें रहती हैं, किसी को पराठे खाना है तो किसी को ब्रेड अंडा खाना है। आपको को भी काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैंने उनसे बोला जाइए आप प्लेट्स लगाइए, तो वो प्लेट्स लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम बताते रहना चाहिए कि वो भी अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ करते रहें। तो बस
अब ये हारिस के लेके जाओ। और ज़ारा समायरा भी नमाज़ पढ़ रही हैं तहज्जुद की, तो जैसे ही वो लोग आती हैं फिर उसके बाद वो लोग सैरी करेंगी। और यहाँ पर ये हारिस भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तहज्जुद की। हारिस जब तक नमाज़ पढ़ते हैं और ज़ारा समायरा भी नमाज़ पढ़ती हैं तब तक मैं भी जाकर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करा करिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग वीडियो को आधे बीच में ही छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो बस अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ फिर उसके बाद सहरे करेंगे। और मेरी भी नमाज़ हो गई है तहज्जुद की और अब हम जाकर सहरे करेंगे। और मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी मतलब पूरी रात हो गई मुझे जागते हुए काम करते हुए, क्योंकि मैंने पूरा सेटअप किया, सब कुछ किया और बस अभी टाइम हो गया है, 4 बज गया है। बस अब मेरे हस्बैंड को उठाती हूँ मैं और उनसे वो भी अब सेरी करेंगे। हमारे घर के पीछे ही मस्जिद है और मस्जिद में वहाँ पर डेली अनाउंस होता है और वहाँ सबको उठाते हैं कि सेरी के लिए। तो मैंने सेरी बना ली है और देखिए मैंने यहाँ पर सब सर्व कर दिया है। तो ये मैंने पास्ता भी बनाया था और यहाँ पर ये हारिस के लिए सूप बनाया था तो उन्हें सूप चाहिए था। हारिस क्या चाहिए आपको? ब्रेड ये जैम लगा दो। समझा तुम्हें? मैं तो पास्ते खाऊंगी और ब्रेड जैम खा लूंगी।